नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और आज की ब्रेकिंग न्यूज़। भाजपा नेता गोकुल शेतिया की गाड़ी पर हुआ है पथराव। घटना रानिया गेट की बताई जा रही है। खेड निवासियों के समर्थन में डोर टू डोर अभियान के दौरान हुआ पथराव। कांडा बंधुओं की शह पर पथराव करवाने का गोकुल शेतिया ने लगाया आरोप। जी हां, कांडा बंधुओं पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। गोकुल शेतिया ने अपनी ही सरकार पर लगाया था आरोप। थेहड़ वासियों की मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे हैं सुनवाई। गोकुल शेतिया बोले, पुरातत्व विभाग के पक्ष में हाई कोर्ट ने थेहड़ खाली करवाने के दिए हैं आदेश। वहीं गोकुल शेतिया थेहड़ निवासियों के समर्थन में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन पर पथराव हुआ है। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनकी गाड़ी पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। इस सारी जिम्मेदारी कांडा बंधुओं पर लगाई है गोकुल शेतिया ने। गोकुल शेतिया ने कहा है कि कांडा बंधु ओछी राजनीति करना चाहते हैं। इसी के साथ देख रहे हैं आप पल पल की एक खास रिपोर्ट। बात की हो या अगर मैंने उत्तरान बाजार के अंदर जो एसपी साहब ने जो काम किया लड़कों को घुमाने का, मैं उसकी निंदा करता हूं। अगर इस तरीके की कोई भी खिलौनी हरकत मैंने की हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। लेकिन कांडा के कुछ गुंडों ने, आपने देखा, मैं अभी आया था, मैं थेड़ के लिए आया था। बकायदा जो थेड़ की संघर्ष समिति है, मेरे सबसे सुबह वार्तालाप हुई थी कि अगर कोई और लीडर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा तो मेरी खुद की पार्टी की सरकार है। सुनीता शेतिया जी, मेरी माता, यहाँ पर कैंडिडेट थी और 40,000 वोट आप सबने हमें सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास ओरा जी को भी आप हमेशा यहाँ पर आशीर्वाद देते आए हैं, तो मेरे लिए पार्टी बाग में है। उससे पहले मेरे लिए मेरा सरसा है, मेरे सरसा के निवासी है, तो मैं आया था। ये मेरे पास पंपलेट है, आज मेरे डोर टू डोर करना था फेड़ वाले सारे एरिया के अंदर कि हम सभी भाई यहाँ पर इकट्ठे हो ताकि हमारी आवाज बुलंद हो और इस हमारी जो बोली सरकार है, बैरी सरकार है, अंधी सरकार है, उस तक हमारी थेड़वासियों की आवाज पहुंचे ताकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। ये 50,000 लोगों का यहाँ पर रिहायश है, तो 50,000 लोगों के बच्चों का, उनके परिवार का, उनकी जिंदगी का सवाल है। सारी उम्र उन्होंने जो मेहनत करके खून पसीना बहाकर यहाँ पर आकर अपना आशियाना, अपना छत डालने का काम किया, उनका हक उन्हें वहां मिले। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और मेरा फर्ज बनता था कि अगर कांडा जैसे चोर, गुंडे, माफिया लीडर जो गोवा में बैठकर गलत काम करते हैं, वो लोग अगर यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए खून पसीना नहीं बहा सकते, सहयोग आपको नहीं दे सकते, तो मैं उनकी तरह ओछा आदमी नहीं हूँ। मैंने केवल एक समाज सेवी होने के नाते एक काम किया, एक प्रयास किया, जो आगे भी मैं आप सबके आशीर्वाद से करूंगा। मैं थेड़वासियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और अगर ये लोग यहाँ पर आज इस तरीके से कांडे के गुंडे, जिसके अंदर के हर बिरादरी का आदमी था, वो अगर इस तरीके की गिलौड़ी हरकत यहाँ कर करेंगे और अगर आज मैं यहाँ से भाग गया तो ये कल को किसी भी आदमी का यहाँ से टपना मुश्किल कर देंगे। और कल को मेरा परिवार भी रोज यहाँ से टपता है, उसका भी यहाँ से टपना मुश्किल कर देंगे। ये नहीं कि मेरा परिवार नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे डर नहीं लगता, मेरे आगे पीछे भी है, लेकिन अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो ये कल को शरीफ आदमी का जीना आराम कर देंगे। आज मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। इतनी बात कहता हुआ और दूसरी